कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय पूज्य गुरुजन और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी 2024। आज मैं जो कुछ भी सुनाने वाली हूँ वो आप बड़ी लगन से, प्यार से, सच्चे दिल से सुनेंगे, ऐसी उम्मीद रखती हूँ। जुर्मों की जंजीरें तोड़कर, दुश्मनों की गर्दनें मरोड़कर, घर संसार हम सबके लिए छोड़कर, मुसीबतों का पहाड़ फोड़कर, जिन क्रांतिवीरों ने यह आज़ादी का गुलशन बहकाया है उनके पावन चरणों में मेरा सर झुकाती हूँ, उनकी स्मृति को प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा कान खोल कर सुन लो, क्या हम इस आज़ाद देश के सच्चे भक्तों की कभी कद्र करते हैं? क्या हम कभी इनके बारे में सोचते हैं? याद करो कैसे सुभाष बाबू ने हमें यह विश्वास दिलाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष बाबू की यह पुकार सुनकर कितने नौजवान इसमें शामिल हुए, कितना गहरा त्याग था उन महान नेताओं का, कैसे अपने आप को देश के खातिर समर्पित कर दिया। बहुत सारे वीर जवान अपने देश के उज्ज्वल भविष्य साकार करने हेतु शहीद हुए। उनके कुछ के नाम हमें मालूम है। कुछ ऐसे भी महान वीर हैं जिन्होंने भारत माँ के खातिर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उनके नाम तक हमें मालूम नहीं है। उनका एक ही मकसद था कि भारत माँ का गौरवशाली इतिहास फिर लौटे, भारत माँ की जनता हंसी खुशी जिंदगी बिताए, कोई भी अन्याय अत्याचार का शिकार ना बने, कोई भी भारत माँ पर बुरी नज़र ना डाले। मगर आज हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में कई गरीब महिलाओं पर, कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर जुल्म हो रहा है। क्या हमें इस आज़ाद देश के आदर्श राजा ने यही आदर्श हमारे सामने रखा था? बिल्कुल नहीं। अरे, दुश्मन की बहू को बेटी समझकर उसका उचित पूर्वक सम्मान कर उससे आदरपूर्वक घर पहुंचाने वाला सिर्फ मेरा शिवभाई हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। आज हम देख रहे हैं कि कितने साधु लोग अपनी बुरी हरकतों के फलस्वरूप जेल की हवा खा रहे हैं। कहा गौतम बुद्ध, महावीर, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर, स्वामी विवेकानंद और कहा बुआबाजी नाटक दिखाने वाले यह सन्यासी लोग, हम लोग भी कितने मूर्ख है। एक तरफ विज्ञान के युग का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ हमारा दिमाग इन जैसे सुटारू साधुओं के पास गिरवी रखते हैं। भाइयों, जरा सोचो, अगर इन देश के साधु लोग अच्छेपन का नाटक कर देश के भविष्य को सुधार सकते हैं तो क्या जरूरत थी सैनिकों को रात दिन सीमा पर लड़ने की? क्या जरूरत थी भगत सिंह और उनके दोस्तों को फांसी पर चढ़ने की? क्या जरूरत थी महात्मा गांधी और तिलक जी को अंग्रेजों से पंगा लेने की? जब तक देश का हर नेता, नागरिक, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, स्वामी विवेकानंद, माँ जिजाऊ, राजे शंभू, डॉक्टर अंबेडकर, गाड़गे बाबा, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा गांधी, महात्मा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, इन जैसे आदि महान नेताओं के विचारों पर आरूढ़ होकर नहीं चलता तब तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल का सपनों का भारत निर्माण नहीं होगा। बस इतना ही कर रुक जाती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सेना।